सुबह सुबह यहाँ पे टेंट घस दिया भे। भाई लिवे रहते तो मेरी बहन बहुत काम करती है दोस्तों। छोटू हमारा पहलवान हो गया, उसके कट्टे कट्टे साथ है ना। बना वाली मौसी के लिए मम्मी ले जाएगी आज ये। मामा के नाते के लिए आ गया भाई आईफोन। यश टाइप आलू की होने हो ये हलोर गैस के जिसमें रोटी रखते हो उसमें पंकज का लड़का सोएगा। ये जाने भी दिखा दी आयुर्वेदिक की दवाई बहुत बन रही है, कोई भेज भी सकते है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। बाकी दोस्तों नए दिन की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 9:30 बजे और सुबह सुबह में मौसम देखिए कैसा खराब हो रहा है, बिल्कुल बादल लगे हुए हैं आज भी आसमान में पूरे। आज फिर से यहाँ पे नाशपति वगैरह बना रखी है। सुबह सुबह यहाँ पे टेंट घस दिया भाई पूरा बिल्कुल। तो यहाँ पे क्योंकि बारिश आ जाती है ना, भरने में डिब्बे में सब भीग जाएंगे, छानी जैसी बना दी यहाँ पे। तो पिरूल आपको जैसे कि पता ही है भाई, डिब्बा डिब्बों के अंदर पिरूल डालते हैं। तो भाई काम ऐसे करना पड़ रहा है यार भाई, बारिश वारिश बिल्कुल डेली बारिश ही होती है तो काम बिल्कुल हो नहीं पा रही, पूरा टेंट वेंट कस कस कर रखा है। तो आज ले स्कूल नहीं गई, आज छुट्टी छ क्या नहीं, तो खाली ले बहाने, ये बहाने हैं हमारे कल भाई के। मम्मी और पूजा गए थे मजाली, मजाली से आ गए हैं घास लेकर के। तो लला जी उतर सर भाई लिवे रहते तो क्योंकि रास्ता देखिए बारिश की वजह से भाई पूरा फिसलने वाला हो रखा है। फिर भी मेरी बहन बहुत काम करती है दोस्तों। मैं वो जरा ब्लॉग में ऐसे ही आ रहा, हमारे बीच में मजाक चलती रहती ना बहन भाई के बीच में, तब बहन बहुत काम करती है वैसे मेरी। ये मम्मी भी लेकर के आ रखी है घास, कस तक जा रही है दोनों। और आज नाशपति तो हो जाए तो ये देखिए छोटो, खैर आजकल छोटो हमारा पहलवान हो गया, उसके कट्टे कट्टे से आ रहा है उसके लिए। तो मिडा घास नहीं, ये है मेड़ वाली घास भाई, जो ऐसे होती ना मेड़ों में साइड से, वो वाली घास है। गोभी भी लेकर के आ रखे हैं। तो मौसी बोल रही थी भाई गोभी के लिए, तो मेरी जो बना वाली मौसी ना, बना वाली मौसी के लिए मम्मी ले जाएगी आज ये गोभी वगैरह। तो दोस्तों मेरा ननिहाल जैसे कि आपको पता है काफली है ना, तो भाई मेरे जो बड़े वाले मामा हैं उनका नाती हो रखा है, तो उनके जो छोटे वाले बेटे ना उनका लड़का लड़का हुआ है कंफर्म में बता नहीं था ना मेरे, जो कल उसका नाम कर रहे वहाँ पे जाएगी मम्मी। शाम को जाऊंगी, दो तीन बजे तक चले जाऊंगी, बारिश भी लगी है, टाइम पर जाना ठीक होता है ये। और भाई कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा है फिर तेरा? हो गया स्टार्ट 5 तारीख से, फिर पूजा का भाई कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है। पूजा के और हेवा के बीच में ऐसी गालियाँ वगैरह चलती है आपस में, कसा दे तो से क्या अच्छा पुरंदा यहीं छोड़ के लगे पुरंदा ब्लॉग देख रहे हो ना, तुम्हारा घोड़े का पुछला है यहीं रह गया भाई, जब आप गुड़ियल के आलू सारने आओगे तो तब जाकर के ले जाना। मम्मी परसों बोल रही थी कि जो भाई मामा का नाती हो रखा है ना, यानी कि मामा के छोटे वाले लड़के का जो बेटा हो रखा है, उसके लिए लेकर के आने थे भाई कपड़े वगैरह, जो भी छोटा बच्चा होता है तो उसको कपड़े वगैरह देते हैं। तो मम्मा ही गई हुई थी धनाचौली धारी साइड को, वहाँ से लेकर के आ रखी थी, आपको दिखाता हूँ। मम्मी बोल रही उसमें फ़ोन दिया बल भाई, आईफोन भी, तो मम्मी ने अपने नाती के लिए आईफोन मंगा रखा है भाई। गजब, ये देखिए दोस्तों, ये मामा के नाते के लिए आ गया भाई आईफोन, आईफोन भी चलाएगा ऐसे उसको दबा करके, छैया 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 यार, ये तो हो गया भाई उसका आईफोन। और बाकी इसमें कपड़े टी शर्ट होने पाजम होने और एक होने राग उत्तर राग दिन थे और किस से जाना यार अब तमें। तो इसमें 4-5 चीजें हैं बल, देख खोल दे पे। तो अभी हो रही है दोस्तों अनबॉक्सिंग। यो क्या छु, ये रुमाओ छु क्या, यश टाइप आ लुगुड़ की होने हो एक, ये लुगुड़ से हो ये हलोर गैस के। एक दो तीन चार और एक पांच, ये मैं अंतर ना किक्की सही हूँ, ये बटन जो सही हो बिलो जो टाइप हो।
हालत पछल बटी क्या मुझे अच्छा इसके लगा रखा नहीं अरे यहाँ बटी नहीं हो ऐसा लग रहा है खाली ऐसा इतना चोर नान भाव कतान होने पे भाव तो तरह होने पे चलो कतान होने पे 10 फीट आ जा से फौजी भाई का लड़का हुआ है हाँ। मम्मी बता मेरे को क्या बोल रही थी कल मेरे को बस बोलती थी तू लेकर के आएगा करके और मेरे को बोल रही थी कि वो तो फौजी वाला ठहरा आप फौजी वाले कपड़े देने ठहरे मैंने सोचा आदमी के कपड़े देने पड़ते सर मम्मी बोलती थी मेरे को भाई फौजी का लड़का है तो अच्छे अच्छे कपड़े देने पड़ेंगे थोड़ा ये स्टोर रूम में किताबे हिताबे सब चीज रखी हुई है इसी के अंदर बहन के भी हैं बड़े भाई के भी छोटे भाई के भी हैं हाँ बहन के भी हैं बड़ी बहन के भी हो सकते हैं कोई बड़ी बहन के आप कहाँ होंगे बड़ी बहन की तो शादी कोई इतने साल हो गए उसके किताब कहाँ रहेंगे आप भी है। अभी तक मतलब भाई बड़ी बहन की किताब अभी तक कहाँ है बड़ी बहन मेरी देख रखी है आपने बबीता जिसका ससुराल सरदुंगा में है छोटी लड़की ये है छोटी लड़की मम्मी की छोटी लड़की ये है छोटी लड़की तो छोटी लड़की पूजा छोटी लड़की दादी दिखाने रहती है हमेशा ये ना बोलती है ब्लॉग में ना बोलती है बस कुछ कहो तो इसको हे 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 तो कंडी से क्या दिन क्या तो कंडी क्या करती अच्छा वैसे तो सफेदी से तो पहले के टाइम में मतलब भाई इसी प्रकार अब तो हॉट केस चल गए प्लास्टिक के ना पहले के टाइम में इसी टाइप की भाई कंडी का मतलब चलती थी जो कि ये बांस की बनती है ना अभी भी हमारे वहाँ पे है ये देखिए अभी भी मम्मी ने रखी है संभाल के पंकज का लड़का सोएगा इसमें पंकज का लड़का सोएगा मतलब जिसमें रोटी रखते हैं उसमें पंकज का लड़का सोएगा ये तू जैसे ले जाएगी कंधे में बैठा के तो नहीं जा रही क्यों पहले तो जाती थी माला को जाऊंगी 5 चुपे मिलेंगे 10 से ये ब्रेड भी उसके लिए ये देखिए मम्मी ने तो भाई नाते के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है ब्रेड वगैरह भी पहले जाती थी 10 रुपये 5 रुपये लेने के लिए माला कोट जाऊंगी तो 10 रुपये मिलेंगे 5 रुपये मिलेंगे करके क्यों अब जाती नहीं तो मैं भी कभी जाऊंगा और ये कतुबा दिखाएंगे लेते हैं ब्लॉग में कल गिरा में ब्रजा था मेरे हाथ के दोस्तों मैंने बोला भाई यार कितनी बार दिखाऊं ब्रेड को करके मम्मी क्या बोल रही है गाइस भी बोलेंगे भाई इतनी बार क्यों दिखा रहा है रे हमने देख लिया है वो रे ईश्वर विस्त यार खतरनाक है भाई मम्मी भी मेरी दोस्तों सुबह आपने देखा ना यहाँ पे तिरपाल से पूरा टेंट ऐसा बना रखा था बारिश की वजह से और नाशपाती रखी हुई थी अभी आप इसको पैकिंग वगैरह करने लग गए हैं कैसी हो रही है भाई पैकिंग ठीक हो रही है किधर लगा के अभी अखबार लग गया इसमें और आप नाशपति रखेंगे अम्मा भी हो रही है यहाँ पे पैकिंग कर रही है दाग लग जाता है तब जाके नाशपति में नीचे से डिब्बे में पिरोल डालते हैं थोड़ा सा डालते हैं फिर थोड़ा सा डालने से लिए ऐसा होगा डिब्बे वहाँ गाड़ी में तो ऐसे फेंकते हैं डिब्बू को चाचा बोले ये मास्टर ही जाने भी दिखा दी मास्टर ही क्या खराब हो रही है दाग लगी ये अलग छांट रखी है और ये थोड़ा छोटी नाशपाती और इधर जो साइड में रखी है ये हो रखी है पूरी खराब उसमें दाग लग जाते हैं वो नाशपाती खराब हो जाती है वो सड़ जाती है नाशपाती गलने वाली ठहरी गर्मी ठहरी बाहर को तो पहाड़ में ठंडाई थी कि दोस्तों आजकल अम्मा के हाथ में क्या हो रखा है ये देखिए अरे ये में दर्द होना दर्द या बीस हो गए छाड़ो कोई दवाई भी भेज सकते हैं मेरे लिए अभी आयुर्वेदिक की दवाई बहुत बन रही है कोई भेज भी सकते हैं ना हाथ में तो ये हो गया अब क्या करूँ देखिए दोस्तों सुबह में बता रहा था ना आपको भाई आज मम्मी जा रही है करके मालाकोट तो मम्मी अभी तैयार होकर के भाई निकल गई है अब मम्मी बोल रही थी 2-3 बजे जाऊंगी और 5 यही बजा दिए हैं देखिए रेडी होके मम्मी निकल गई है मालाकोट के लिए कल है वहाँ पे नामकरण साथ में पूजा भी जा रही है पानी भर के लाएगी ये तो खैर धीरे से ठीक से ठीक से जब पल लगा मेरे पास को अब जा तू ही जना
दोस्तों इसमें देखिए जो ये फायर जो इसके था, तो दोस्तों ये डिब्बा जो है ना, ये डिब्बा यहाँ से चूहे ने काट दिया है बल्कि। तो लास्ट में ना जो लगती है वो लगती है सेलो टेप, ये देखिए सब इसमें सेलो टेप ही लगती है। तो भाई दोस्तों बाकी देखिए यार, भाई शाम के लगभग 5:30 बज गए हैं और बारिश फिर से शुरू हो गई है। शाम के टाइम में लगातार बारिश है आजकल, और बारिश की वजह से भाई इतनी हरियाली हो गई है पहाड़ों में, घास इतनी जम गई है, बहुत ही मतलब देखने लायक व्यू है। बट बारिश ने एक चीज़ दिक्कत वही कर रखी है भाई, सब फसल वगैरह ख़राब कर दे रही है। बट हरियाली काफ़ी सुंदर सी, आजकल का व्यू देखने लायक होता है पहाड़ों में। बाकी यार बस इसी बारिश के साथ में आज के ब्लॉग को भी मैं एंड कर देता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको यार अगर ये ब्लॉग पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में आज सभी को शेयर भी कर दें इस वीडियो को। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए आ रखे ना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो ना आपको सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।